हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो मैं आ गई आज अपना फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। स्टार्ट होने से पहले मैं प्लीज़ आप लोग से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक बाद में भी कर देने से चलेगा अगर वीडियो अच्छा लगे, बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब जिससे कि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आज मैं आऊँगी, ये बहुत कॉमन सा प्लेस है और बहुत फेमस भी प्लेस है हम लोग कोलकाता का, और आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। आज हम लोग पहुँच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल के यहाँ पर। तो ये सबको पता है, ये एज अ कपल प्लेस भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो म्यूज़ियम नहीं भी देखने आते हैं वहाँ यहाँ पर बहुत कोई है कपल्स को जिन लोग टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ फैमिली भी आते हैं। यहाँ मतलब डेली यहाँ बहुत विजिटर्स लोग आते हैं, क्योंकि कोलकाता अगर जिन लोग बाहर से भी आ रहे हैं उन लोगों को कोलकाता में आने से विक्टोरिया में तो आना ही है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस प्लेस में पड़ता है कोलकाता का। तो ये जो विक्टोरिया का जो फेमस प्लेस है, ये बनना कुछ कंस्ट्रक्ट स्टार्ट हुआ था इसका कुछ 1906 से 1921 तक ये बन चुका था। ये कुछ 15 ईयर्स लगा इसे बनने में। इसे कुछ विलियम एमर्सन और विंसेंट ने इसे आर्किटेक्चर है, इन लोग ने ये कंस्ट्रक्ट किया था। तो अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं। और हाँ, और एक बात बता दूँ टिकट का लेके, अब जिसको आइडिया है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बात है, बट जिन लोगों को आइडिया नहीं है ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो अगर आप लोग म्यूज़ियम देखना चाहते हो अंदर का, तो इसका 30 रुपीज़ लगता है। ये इसके साथ आप लोग गार्डन भी घूम सकते हो, और अगर सिर्फ आप लोगों को गार्डन घूमना है तो इट्स ओनली 20 रुपीज़। ओके, तो चलिए चलते हैं अंदर। और हाँ, अंदर शूटिंग करना मना है, बट मैं कोशिश करूँगी, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये कोलकाता की शान है। तो बहुत कोई है जो, जैसे कि ताजमहल के अंदर अगर इंसान देख ले तो कैसा लगेगा, सही नहीं लगेगा ना। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, अगर आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ आके देखोगे तो उस चीज़ का मोल रहेगा, अगर नहीं तो कैसे चलेगा। तो फिर भी कोशिश करते हैं, चलिए चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं ये खूबसूरत सा व्यूज़। और मैं आपको सबसे पहले, स्टार्ट होने से पहले ये एक बात बता दूं कि ये जो गार्डन है ना, ये 64 एकर्स के गार्डन में ये विक्टोरिया मेमोरियल तैयार हुई है। और यहाँ जैसे कि मना किया गया है कि यहाँ आप प्लीज़ लेक के तालाब के पास यहाँ पर ना बैठे, पर फिर भी यहाँ इंसान बैठ रहे हैं, जो मतलब यहाँ का इंसान लोग सुनते नहीं है, पर क्या किया जाए फ्रेंड्स, अगर यहाँ का व्यूज़ ही इतना खूबसूरत सा है, यहाँ पर बैठ के कपल्स वगैरह सबको रहते, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बतख वगैरह भी है। और ये जो है ना, अभी के टाइम पे ये विक्टोरिया मेमोरियल कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू के अंडर पे है ये। और ये जो बिल्ड किया गया है ना, ये ब्रिटिश एंड मुगल्स आर्किटेक्चर का इससे बिल्ड किया गया है, और ये इंडो सरकैनिक रिवाइवल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंडिया के टाइम से है। और ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, विक्टोरिया का जो ये है, आप लोग जानते ही होंगे ताजमहल का जो मार्बल था वो सेम मार्बल इसमें भी यूज़ किया गया है, जिस मार्बल का नाम है मकराना मार्बल। और यहाँ आपको जो विक्टोरिया के अंदर है, यहाँ पर आपको कुछ 25 गैलरीज विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर आपको दिखेंगे, जैसे कि द रॉयल गैलरी दिख जाएंगी आपको, द सेंट्रल हॉल मिल जाएगा आपको, द पोर्ट्रेट गैलरी आपको मिल जाएंगी, म्यूज़ियम इंक्लूड है इधर, कॉइन्स भी मिल जाएंगे, स्टैम्प्स एंड मैप ऑफ दोज डेज, आई मीन दोज टाइम्स जब ब्रिटिश के टाइम पे रूल्स वगैरह होती थी। और यहाँ पर आपको आते ना आते यहाँ पर आपको विक्टोरिया महारानी का ये मिल जाएगा स्टैचू। तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखी हुई थी, और यहाँ पर पुराने टाइम के ये सब चीज़ दिए हुए थे। पर पता है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले जब हम लोग आए थे ना, तो बहुत कुछ और भी चीज़ें थी जो अभी नहीं है। और सबसे बड़ा बात तो मैं आप लोगों को बोलने ही भूल गई, जो मैं बोली थी यहाँ आने से पहले, कि यहाँ पर फ़ोटो स्ट्रिक्टली मना है। जी हाँ, यहाँ मना तो है, पर अंदर जाने से कोई भी किस्म का रिस्ट्रिक्शंस हो ही नहीं रहा है। आप आराम से यहाँ पर सब वीडियोज़ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। लिटरली हम लोग को ना कोई रोका गया था, और इवन वहाँ भी सब आराम से अपना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। और इनको जो आप देख रहे हैं ना, इनके बारे में सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं पता है। इनका नाम शायद निकोल या कुछ था, इनके बारे में कुछ मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैंने इन्हें
कैमरा में कैप्चर किया है जिसे कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। ओह सॉरी, इनका नाम क्लिव है, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिख जाएंगी, किसी के हाथों का आर्ट है ये सब। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो रखी गई हैं। पर जब हम लोग पहले जाते थे, पता है क्या, विक्टोरिया का और भी एक मिस्टीरियस चीज़ है, जहाँ कि पहले के टाइम में मतलब इतना सारा जो विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया है विक्टोरिया मैडम के इसके लिए याद में, पर बहुत कोई ने ये भी कहा है कि विक्टोरिया मैडम तो कभी इंडिया में आई नहीं है। अब नहीं पता, ये एक मिस्टीरियस चीज़ है जो मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर आपको अबिंद्रनाथ टैगोर का भी फ़ोटोज़ मिल जाएगा, और आप ये तो देख ही पा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल का सब कुछ ये एक बार में बना हुआ है। और यहाँ कुछ पुराने ज़माने के गन्स वगैरह रखे हुए थे। तो बस आपको यही सब कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। और विक्टोरिया के अंदर आपको सिर्फ 2 फ्लोर ही जाना आपको अलाउड है, और नहीं आप जा सकते हैं, बस इतना में ही जो आपको देखना है देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा विक्टोरिया में, बस इतना ही है जो मैं दिखा सकती थी। मैंने सब कुछ आप लोगों से शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।